आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मोटोरोला के किसी भी फ़ोन के अंदर आप ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ काफ़ी यूज़फुल है और मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पे बहुत अच्छा खासा व्यू गया है जिसमें मैंने बताया था कि आप मोटोरोला के किसी भी स्मार्टफोन में ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैं आपके लिए तरीका लेके आया हूँ, बिल्कुल ईजिली है और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं मोटोरोला के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, चाहे E14 हो गया या फिर M62 हो गया, कोई भी स्मार्टफोन है मोटोरोला का, उसमें आप ऐप को हाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप अपने मोटोरोला की सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये फीचर नहीं मिलता है। ठीक है, हाइड ऐप का फीचर आपको मोटोरोला की सेटिंग के अंदर नहीं मिलता क्योंकि ये क्लीन एंड्रॉयड है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है, आपका फ़ोन भी हैंग नहीं करेगा और अच्छे से वर्क करेगी वो। ठीक है, सेटिंग को भी हाइड कर देगी। कहते हैं आपकी सेटिंग में ऐप हाइड कैसे करें, तो वो भी ये कर देगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, इस तरीके से इसका कुछ इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अगर ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके सीधा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है सिक्योर है, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि ये सिक्योर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक जैसे ही करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, फर्स्ट नंबर अलाउ करना है, कंटिन्यू करना है, स्किप कर देना है, नॉट नाउ कर देना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गो करना है, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करना है, जैसे मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से स्वाइप कर देंगे एक बार। अब आपको किसी भी ऐप को हाइड करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, हिडन ऐप पे क्लिक करना है, हाइड ऐप पे क्लिक करना है। अब कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे मेरा व्हाट्सअप ही है और यहाँ पे यूट्यूब है, डन करेंगे और ये आप देख सकते हैं व्हाट्सअप नज़र आएगा ना तो यूट्यूब नज़र आएगा, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपका मन कर रहा है ये एप्लीकेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ से आर अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं हाइड ऐप से रिलेटेड। फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में विदा, वीडियो कैसे लिए कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।